हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि 05 वर्ल्ड ब्लॉग्स। तो स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। हिमालय में है तो आप देख सकते हो। तो ये जगह है तालगढ़ी और कल हमने यही पे स्टे किया था। पूरा भीग गए थे कल, तो बहुत ही भयंकर वाला भीग गए थे। और चिपलाकोट यहीं से थोड़ा टॉप में तो ऊपर भी है, तो हम लोग अगर मौसम ठीक रहा तो शाम तक जाएंगे, नहीं तो अभी तो दिन भर बारिश होने में। अभी थोड़ा ठीक हो गया है मौसम, बारिश अभी आ नहीं रही, हल्की हल्की छींटे तो आ ही रहे हैं और बाकी इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो मैं अभी आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। और मौसम अभी खुल गया है पूरा, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप लोग देखो ज़रा। तो देखिए कितनी प्यारी जगह, एकदम खुली खुली जगह। तो बोलते हैं कि यहाँ पे बेस्ट जगह है जहाँ पे जड़ी बूटी के लिए आते हैं लोग। जैसे कि हम हिमालयाज में हैं और यहाँ सुंदरता के साथ साथ जैसे ब्रह्म कमल और एक से एक फूल देखने को मिले, वैसे यहाँ जड़ी बूटियाँ भी बहुत सी मिलती है। तो कुछ जड़ी बूटियों के बारे में मेरे को भी पता चला है जो कि औषधि के काम आता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो चलो। तो एक ये जड़ी बूटी मिली है, ये है डोलू, इतने बड़े पत्ते होते हैं इसके। अच्छा ये आलो होता है, हाँ बॉयल किया। अच्छा बॉयल मतलब तब करना हुआ जब से का, हाँ और तो ऐसे काट के माला बना के रख देना हुआ, ठीक है। तो है डोलू। तो मेरे पास ये है धूप जो कि पाठ पूजा में काम आता है मंदिरों के लिए, तो ये भी यहाँ मिलता है, तो इसको भी थोड़ा ले जा रहा हूँ मैं। और ये है डोलू जो अभी बड़े पत्ते वाले थे, तो उनकी जड़ का है ये, तो इसको भी ले जाता हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मिल रही हैं यहाँ पे वो ले जाता हूँ मैं, क्योंकि काम आती है, जो ये काम आता है सिकाई का काम आता है डोलू जो है, जैसे मोच आ रखी है या कहीं दर्द वर्द, तो उसमें सिकाई करने से ठीक हो जाता है। तो अभी मौसम कितना मस्त लग रहा है और इससे पार अभी कोहरा लगा हुआ है, इससे पार है सुंदरा और चिपला कुंड, तो उसके लिए एक दिन प्लस जोड़ना पड़ जाएगा ट्रैक में। तो यहाँ पे तालाब भी है पानी वानी भरने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक एप्लीकेशन है जो कि हमारे सामने जितने माउंटेन है तो उसकी हाइट बता रही है, तो आपको दिखाता हूँ आप देखो। तो यहाँ के इतने माउंट यहाँ से दिखते हैं, पंचाचली देव, पंचाचली सेकंड, ये पंचाचली, क्यों हो रहा हो रहा? अरे भाई यस थर्ड नंबर। तो अभी यहाँ का मौसम पूरा खुल चुका है और यहाँ से बहुत से माउंट दिख रहे हैं। तो मेन जो सबसे बड़ा वाला ये पंचाचुली सेकंड है, ओ भाई वहां पे कौन चढ़ा हुआ है, वो ऊपर पे। फाइनली अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं जो कि वो ऊपर पहाड़ पे पीछे इधर। तो अब थोड़ी चढ़ाई चढ़नी है, हमारी डेस्टिनेशन जो है ये है चिपलाकोट, तो यहीं तक जाना है। और जो हमारा ये ट्रैक था पूरा 3 से 4 दिन का हो गया है, बहुत लंबा ट्रैक था,
रफ एंड टफ, पूरा बहुत टफ था। हर किसी की बस की बात नहीं है ये ट्रैक करना, क्योंकि बहुत सी चुनौतियां आ जाती है रास्ते पे। और यहाँ पे देखिए ब्रह्म कमल ही लगे हुए हैं। ये देखिए जोड़ा है ब्रह्म कमल का। यहाँ रास्ते में हर जगह ब्रह्म कमल दिख रहे हैं, जो कि काफी प्यारे लग रहे हैं। तो आप पहुंच गए चिपलाकोट। अब यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी तो कोहरा है यहाँ पे चारों तरफ। हो बहुत टफ है भाई, ये वाला ट्रैक बहुत टफ है। तो ये है चिपलाकोट। तो काफी टफ था ये ट्रैक यहाँ तक पहुंचने में, 3-4 दिन लग गए हमको। और आप लोग भी आ सकते हो अगर कभी आपको मौका मिले, अगर टाइम हो तो आप आइए, बहुत मजा आएगा। टफ है, एडवेंचर, पूरा एडवेंचर यहाँ तक आने का, तो काफी मजा आएगा। तो आप लोग प्लीज आइए और ट्रैक का मजा लीजिए, फील कीजिए मतलब ट्रैक को कि कैसा है। वैसे तो काफी टफ है, बहुत टफ है ये, 3-4 दिन लग गए। और इस साइड नीचे पे पूरे उधर पे वो ब्रह्म कमल लगे हुए हैं यहाँ पे, और अभी इधर साइड कोहरा लगा हुआ है, तो यहाँ भी नीचे पे ब्रह्म कमल लगे हुए हैं। और ये रहा पूरा यहाँ का व्यू, चिपलाकोट, चिपलकोट, जय हो। जहाँ जाएंगे तिरंगा फहराएंगे, जय चिपला केदार। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, देखते हैं 3-4 दिन तो हमको ऊपर चढ़ने में लग गया, अब उतरते टाइम कितना टाइम लगता है। और आते टाइम रास्ता नहीं दिखा पाया था मैं आप लोग को, तो अभी कुछ दिखा देता हूँ आपको। ऐसा रास्ता है पूरा कीचड़ वाला है। अभी अच्छा है कि बारिश नहीं लगी है, नहीं तो ज़्यादा और दिक्कत हो जाती इधर। तो हमारा जो आज का स्टे होगा वो शायद गारावानी होगा, टारगेट तो हमने वहीं का बना रखा है कि गारावानी रुकेंगे। फिर उसके बाद कल खेला से फिर धारचूला, फिर धारचूला से सब अपने घर को। ये देखिए रास्ता कुछ ऐसा है, रास्ता खुद ने बनाना पड़ रहा है, काफी टफ। ओ फुल एडवेंचर हो गया यार ये तो। ये है भोजपत्र का पेड़, तो अभी जंगल में बन रही है हमारी पूरियां। लोग सब थके हैं, बोल रहा होगा। नहीं दिख रहा है वे? यहाँ दिख रहा है। दिखा दो, तुम लाइट आइडिया लगा दो क्या? दिखा दो इसको। लोग थोड़ा थोड़ा दिखा। तो बस चिपला केदार का ट्रैक अब खत्म होता है, और आप लोग भी आइए जो ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, जरूर आइए, बहुत टफ है और मज़ा आएगा, फुल एडवेंचर। तो बस अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, 3 वैसे ही बन गए पार्ट। तो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने कुछ नेक्स्ट ब्लॉग पे, जो कि मज़ेदार होगा, कुछ भी होगा, जैसा भी होगा। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। Bye.